क्या कहता है, टू सोर्स ऑफ साउंड, हमारे पास साउंड के दो सोर्स हैं। अब उनका एक मैथमेटिकल इक्वेशन दिया हुआ है, y इज इक्वल टू, देख रहे हो, 4 sin 600 pi t, एंड y, वो दोनों इक्वेशन है। किस टॉपिक का एक क्वेश्चन है, सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव। तो दो साउंड के सोर्स हैं, एक ट्यूनिंग फोर्क है, और इसका इक्वेशन y1 इज इक्वल टू 4 sin 600 pi t, ये पहला साउंड के सोर्स का इक्वेशन है। दूसरे साउंड के सोर्स का इक्वेशन है 5 sin 608 pi t। अब इन दोनों को एक साथ मीडियम में साउंड जनरेट किया जाता है, समझना। एक ऑब्जर्वर है नियर द टू सोर्स। अब जब मैंने ये दोनों साउंड के सोर्स एक साथ जनरेट कर दिए, यहाँ से भी साउंड, यहाँ से भी साउंड, तो यहाँ पर एक ऑब्जर्वर है इस मीडियम में, एक ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है, और उसको हमने एक साथ दो साउंड दिए, तो उसको क्या सुनाई देगा वो हमें प्रिडिक्ट करना है। पहले कितने बीट्स सुनाई देगा पहले ये निकालना है। दूसरा, उसको वैक्सिंग एंड वाइनिंग, वैक्सिंग एंड वाइनिंग क्या होती है, हाई इंटेंसिटी और लो इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी और मिनिमम इंटेंसिटी की रेशियो निकालनी है। पहले बीट्स निकालो। बीट्स कैसे निकालोगे भाई, बीट्स निकाला जाता है स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी। तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर कर दो, जनरल इक्वेशन इसका क्या है, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये जनरल इक्वेशन है। अगर इस जनरल इक्वेशन से मैं गिवन इक्वेशन को कंपेयर करता हूँ, तो मुझे ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा वन की वैल्यू मिल जाएगी 600 pi, बराबर है। और ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 pi फ्रीक्वेंसी, f1 इज इक्वल टू 600 pi, तो पाई ने पाई को, और ये आ जाएगा 300, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्स आ गया, बराबर है। तो पहला जो सोर्स था, फर्स्ट इक्वेशन था, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है 300 हर्ट्स है। दूसरा ओमेगा टू निकालो, ओमेगा टू की वैल्यू ये आ जाएगी 608 pi, और ओमेगा टू को मैं लिख सकता हूँ 2 pi फ्रीक्वेंसी, f2 इज इक्वल टू 608 pi, तो पाई ने पाई को और 608 से डिवाइड करोगे तो 304 हर्ट्स ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी f2। तो दोनों सोर्स की हमें फ्रीक्वेंसी पता चली है। जब दोनों सोर्स की फ्रीक्वेंसी पता चली है, तो मैं बीट्स बड़े आराम से निकाल लूँगा। बीट्स क्या होता है, स्लाइटली डिफरेंस बिटवीन द फ्रीक्वेंसी। तो बीट्स फ्रीक्वेंसी आ जाएगी f1 माइनस f2 mod, तो 300 माइनस 304 mod, दैट इज 4 बीट्स उसको मिलेगा हर सेकेंड, वो 4 बीट्स सुनाई देगा उसको। अब ऑप्शन चेक करो कि 4 बीट्स किस में है, तो 4 बीट्स जो है वो हम लोगों के पास ऑप्शन डी में है और ए में है, मतलब बी और सी कभी सही नहीं हो सकते किसी भी कंडीशन में। चलो अब हमें एक और प्रॉब्लम है कि हमें इंटेंसिटी निकालना है, इंटेंसिटी वैक्सिंग एंड वाइनिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी का रेशियो निकालना है। तो इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, इंटेंसिटी का रेशियो कैसे निकालते हैं, मतलब उसको मैक्सिमम साउंड इंटेंसिटी मैक्सिमम डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी मिनिमम एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाय A1 माइनस A2, ये फार्मूला पढ़े होगे आप। इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी मिनिमम का रेशियो का ये फार्मूला बेहतर तरीके से पढ़ के आए होंगे। पहले वाले का एम्पलीट्यूड ये क्या है, एम्पलीट्यूड ये A है, तो पहले वाले की एम्पलीट्यूड 4 है और दूसरे वाले की एम्पलीट्यूड 5 है, तो ये 4 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 5 का स्क्वायर, मतलब यह आ जाएगा 981/1, मतलब फाइनली रेशियो 81:1, दिस इज द फाइनल रेशियो, मतलब 81:1 देखो किस में है, दैट इज डी ऑप्शन सही है, द डी वन इज द करेक्ट सही। वीडियो पॉज करो और खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो